हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेक्चर 5। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हम लोग 5 टॉपिक को टारगेट करेंगे डिटेल में। हमारा पहला टॉपिक रहेगा इथिलीन, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा फोटोपीरियडिज्म, फोर्थ टॉपिक है वर्नलाइजेशन, एंड द फिफ्थ टॉपिक वुड बी सीड डोरमेंसी। बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में 3 प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, दैट इज ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। आज के लेक्चर में हम लोग 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 2 प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो है इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो पहले इथिलीन और एब्सिसिक एसिड से शुरू करते हैं। इथिलीन, पॉइंट नंबर 1 दैट वी हैव टू रिमेंबर इज इट इज द ओनली गैसियस PGR। इथिलीन अकेला गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ओके, नेक्स्ट, इथिलीन इज वाइडली यूज्ड PGR इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इथिलीन कैसा ना, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, यानी बहुत सारे फंक्शनल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है प्लांट में, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला PGR है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये 2 बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इथिलीन इज यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन टिश्यूज विच आर अंडरगोइंग सिनेसेंस, एंड इट इज यूजुअली सीन इन राइपनिंग फ्रूट्स। एक बात अच्छे से जान लो बच्चों कि इथिलीन को ना राइपनिंग हॉर्मोन बोलते हैं, उसके वजह से फ्रूट्स पक जाते हैं। ये तुमको कौन से हिस्सों में ज़्यादा दिखेगा? इथिलीन हमको उन हिस्सों में ज़्यादा दिखता है जिन हिस्सों का सिनेसेंस हो रहा है, यानी जो हिस्से मेच्योर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। दूसरी बात, ये कहाँ तुमको ज़्यादा दिखेगा? ये हमको उन फ्रूट्स में दिखेगा जो पक रहे हैं, जो राइप हो रहे हैं। आगे, नेक्स्ट, इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। यानी कोई भी सीडलिंग, यानी एक जर्मिनेटेड सीड होता है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी उसका ट्रांसवर्स ग्रोथ इथिलीन की वजह से होता है। किसी भी एक्सेस का ज्यादा से ज्यादा स्वेलिंग होना, मोटापा होना, इथिलीन की वजह से होगा। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन, यानी अपेक्स में ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से कर्व होना, हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। नेक्स्ट, इथिलीन प्रमोट्स सिनेसेंस एंड एब्सिशन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये याद रखो, MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर फ्रूट राइपनिंग। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव फॉर फ्रूट राइपनिंग, इसीलिए उसको राइपनिंग हॉर्मोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चों, याद रखना। आगे, देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। इथिलीन की वजह से क्या होता है ना, कि हर प्लांट के हिस्से जहां पर इथिलीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उस हिस्से का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। ओके, यानी उसका रेस्पिरेशन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये जो टेंडेंसी होता है ना, जहां पर इथिलीन इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ प्लांट पार्ट्स, इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछेंगे कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो भूलना नहीं, इथिलीन। आगे, इथिलीन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, इट ब्रेक्स बड डोरमेंसी। यानी डोरमेंसी यानी रेस्टिंग पीरियड। अब सीड अगर बहुत देर तक रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। अगर कोई भी बड यानी कंडेंस्ड शूट, ओके, अगर एक कली है, कली को भी हम लोग बड बोल सकते हैं, उसको फ्लावर बड बोल सकते हैं। अगर एक कली डोरमेंसी में है, यानी वो कली कभी भी खिलकर फ्लावर में कन्वर्ट ही नहीं होगी, तो इथिलीन क्या करता है ना, ये डोरमेंसी को तोड़ता है। इसलिए एक सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट होगा, एक कली जल्दी से जल्दी फ्लावर बन जाएगी। नेक्स्ट, इथिलीन कॉजेस जर्मिनेशन इन पीनट्स एंड इन पोटैटो ट्यूबर। बेटा ये MCQ में आएगा, ये याद रखना। वो पीनट्स और पोटैटो ट्यूबर में ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन करवाता है। नेक्स्ट, इथिलीन कॉजेस इंटरनोड एंड पिटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स।
अच्छा, अब इंटरनोड और पिटियोल क्या होता है? किसी भी स्टेम पे जहां से भी ब्रांच निकल रहा है, सो जिस पॉइंट से ब्रांच निकलता है उसको नोड बोलते हैं। समझो यहां से भी एक ब्रांच निकल रहा है तो ये पॉइंट भी नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और दो सक्सेसिव नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। नेक्स्ट पिटियोल, पिटियोल मीन्स द स्टॉक ऑफ द लीफ। कोई भी लीफ का जो स्टॉक रहता है ना, समझो एक पत्ती है, तो ये जो उसका स्टॉक है ना, राइट, जो लीफ की डंडी होती है उसको हम बोलते हैं पिटियोल। सो इथिलीन क्या करता है ना, इंटरनोड और पिटियोल की लंबाई बढ़ा देता है ताकि जो डीप वाटर राइस प्लांट्स हैं उसके शूट के हिस्से और लीफ के हिस्से हमेशा पानी के ऊपर की तरफ रहे। नेक्स्ट, इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट ग्रोथ एंड फॉर द रूट हेयर फॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है ताकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, इथिलीन इनिशिएट्स अ फ्लावरिंग। ओके, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग करवाता है किस में? एमसीक्यू आएगा मैंगो में। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। अब बेटा ये एमसीक्यू में याद रख ले अच्छे से। ओके, इथिलीन है ना फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी करवाएगा। ओके, चालू करवाता है फ्लावरिंग किस में? मैंगो में, और फ्रूट सेट करवा के देता है किस में? पाइनएप्पल में। आगे, अब इथिलीन का एक एक्वस फॉर्म है जिसको बोलते हैं एथेपॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एथेपॉन, इस पे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड होता ही है। सो इथिलीन हमको मिले तो मिले कहां से? तो एथेपॉन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जो इथिलीन का एक्वस फॉर्म है। ये कंपाउंड क्या करता है ना, ये धीरे धीरे स्लोली इथिलीन रिलीज करवाता है और इथिलीन को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करवा के, ट्रांसपोर्ट करवा के देता है। ये जो एथेपॉन है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेस्टनिंग फ्रूट राइपनिंग, यानी हेस्टन करना यानी जल्दी करवाना, यानी फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी पका देगा। अच्छा, और ये कौन से फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी पका देगा एथेपॉन? तो इसका एग्जाम्पल है टोमेटो और दूसरा एग्जाम्पल है एप्पल। बच्चों यहाँ पे मैं तुमको एथेपॉन का एक टेक्निक बोल के रखता हूँ, रिमेम्बर द मराठी वर्ड ताई। बहन को ताई बोलते हैं ना, वैसे ताई याद रखो, टी ए ई, टोमेटो एप्पल एथेपॉन। ओके, टी से टोमेटो, ए से एप्पल, और ये दोनों का ज्यादा से ज्यादा राइपनिंग कौन करवा रहा है? एथेपॉन, जो कि इथिलीन का एक्वस वाला फॉर्म है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग एब्सिशन। और ये एब्सिशन, एब्सिशन करवाना यानी ग्रोथ को रुकवाना। अब देखो इथिलीन दो तरफा काम कर रहा है, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किया था कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, ये तीनों प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, यानी इनके वजह से प्लांट का ग्रोथ होता है, और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी उसके वजह से ग्रोथ रुक जाता है। बट इथिलीन बिलोंग्स टू बोथ कैटेगरी, कुछ कुछ हिस्सों में ग्रोथ करवाएगा, कुछ कुछ हिस्सों में ग्रोथ को रुकवा देगा। अब देखो यहाँ वही लिखा है, इट एक्सेलरेट्स एब्सिशन, यानी ग्रोथ रुकवा देगा। इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में वी विल रिमेम्बर कॉटन, नेक्स्ट एग्जांपल वी विल रिमेम्बर चेरी, एंड द लास्ट एग्जांपल वी विल रिमेम्बर वॉलनट। याद रखना बेटा, कॉटन, चेरी और वॉलनट लास्ट। इथिलीन की वजह से ज्यादा फीमेल फ्लावर्स उग के आते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर। ओके, सो इट एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, एंड इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट इथिलीन। नाउ लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट हार्मोन कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में अगर हम ध्यान दें, यहाँ वर्ड आता है सिसिक, और सिसिक का मतलब होता है सीजर। सीजर मीन्स टू कट। That is why, बच्चों, abscisic acid is the plant growth hormone which will not promote growth. In fact, it will cut growth. तो abscisic acid कैसा है ना कि plant का growth नहीं करवाएगा, उल्टा जो जो हिस्सों में growth हो रहा है ना, वो growth को रुकवा देगा। तो ये growth inhibitor कहलाता है, because ये growth को inhibit करता है। Inhibit करना यानी stop करना। Next, it regulates abscission. And it regulates dormancy. Abscission यानी growth को रुकवाना, और dormancy यानी resting period. अच्छा,
अब एब्सिसिक एसिड का अगर हम लोग वर्किंग स्टाइल देखें ना, तो ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है. सो इट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इट इज प्लांट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर. उनके अंदर के सारे प्रोसेस मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करवा देता है, और तो और सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करवाता है. नेक्स्ट, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करवा देगा. सो इट कॉजेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस. अब हम सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बुरा हार्मोन है, क्योंकि ये तो ग्रोथ को बंद करवा दे रहा है, प्लांट का ग्रोथ इनहिबिट करवा रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करवा दे रहा है, सीड्स को जर्मिनेट होने नहीं दे रहा, उनको रेस्टिंग पीरियड डॉर्मेंसी में डाल दे रहा है, और स्टोमेटा जो है उसको बंद कर दे रहा है. तो सर ये तो बुरा हार्मोन हुआ, पर ये सही नहीं है बच्चों. इसको है ना दूसरे एंगल से सोचो. एब्सिसिक एसिड खास तौर पे स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है. जब भी कोई प्लांट, कोई पेड़ जब भी स्ट्रेस में होता है, समझो फॉर एग्जांपल पानी की कमी है और बाहर बहुत कड़ाके की धूप है, तो ऐसे टाइम पे तुमको लगता है कि प्लांट को वाटर लॉस करना चाहिए? नहीं. इसलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, लीफ के सारे स्टोमेटा को बंद करवा देता है, और अगर जरूरत पड़ी तो बहुत सारे लीफ को, बहुत सारे ब्रांचेस को झड़वा भी देगा. इट कॉजेस शेडिंग ऑफ लीफ ऑल्सो. क्योंकि ऐसे हालात में जहां प्लांट के पास दो ऑप्शन है, या तो लीफ को रखो या तो लीफ को मत रखो. अगर लीफ को रखा तो उसमें से ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा. अगर लीफ को नहीं रखेगा तो एटलीस्ट प्लांट तो जिंदा रहेगा, और जैसे ही माहौल वापस से सुटेबल और फेवरेबल हो जाएगा, न्यू लीफ विल ग्रो अप. सो एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना, पेड़ को स्ट्रेसफुल हालातों से लड़ने की क्षमता पैदा करवा के देता है, इसीलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. सो ये एक वर्ड सब लोग याद रखना, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. ओके, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट, इट हेल्प्स द सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन. डेसिकेशन मींस टू ड्राई अप. बहुत ही सूखा कंडीशन रहेगा ना, उसको विदस्टैंड करना, यानी उसको बर्दाश्त करना एब्सिसिक एसिड सिखाता है. लास्ट पॉइंट, एब्सिसिक एसिड इज ऑपोजिट ऑफ गिबरेलिक एसिड. हाइफा इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिन. यानी गिबरेलिन का जो एक्शन है ना, एब्सिसिक एसिड का एक्शन उसका ऑपोजिट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, याद रखना आपको. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फोटोपीरियोडिसिटी. चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं. फोटो, प्लांट्स के टर्म में कभी भी फोटो की बात करें तो फोटो मतलब सनलाइट, और बेटा पीरियड मतलब ड्यूरेशन. अब इसमें कमाल की बात ऐसी है कि एब्सिसिक एसिड तक अगर हम लोग देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पांच हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा है, ऑक्सिंस, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड. तो ये सारे प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, और ये ग्रोथ हॉर्मोन्स अंदरूनी तौर पे प्लांट के अंदर होते हैं और प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं बच्चों. बट ये अंदरूनी फैक्टर्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं, और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से पहला एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं सनलाइट, और वो टॉपिक कहलाता है फोटोपीरियोडिज्म. वैसे नेक्स्ट हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे, वो होगा टेम्परेचर बेटा, और टॉपिक कहलाएगा वर्नलाइजेशन. ओके, सुनते जाओ अभी ध्यान से. फोटोपीरियोडिज्म, फोटो यानी सनलाइट, पीरियड यानी ड्यूरेशन. अब हर प्लांट को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन चाहिए सनलाइट का, और उसको अगर उतना स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए सनलाइट दे दिया तो प्लांट पे फ्लावर बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी उगने लगते हैं. सुनो ध्यान से, एवरी प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एक्सपोजर फॉर अर्ली फ्लावरिंग. ओके, एंड दिस टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. अब समझो फॉर एग्जांपल, ओके, लेट्स से वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम ड्यूरेशन दैट इज 4 आवर्स. Now, every plant has a defined exposure of sunlight requirement. हर प्लांट की सनलाइट के एक्सपोजर की जरूरत होती है, और जो वेल डिफाइंड उसकी जरूरत होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड. क्रिटिकल फोटो पीरियड शॉर्ट में लिखा बेटा मैंने, क्रिटिकल फोटो पीरियड.
अब कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सनलाइट की जरूरत क्रिटिकल फोटो पीरियड के मुकाबले ज्यादा होती है, यानी समझो ऑन एन एवरेज वेल डिफाइंड क्रिटिकल फोटो पीरियड 4 घंटे का है, पर ये वाला जो प्लांट है इसको सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको 6 घंटे सनलाइट चाहिए। सो कंप्लीट डे में अगर इसको 6 घंटा सनलाइट मिला ना तो ये फ्लावर फटाफट दे देगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय का सनलाइट एक्सपोजर चाहिए इसको। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट। ओके, समझो ये दूसरा प्लांट है और इसको दिन के लेट से सपोज फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 घंटे सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए। इसको 2 घंटा सनलाइट दिया ना तो ये फटाफट फ्लावर दे देगा। तो यहाँ हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम समय का सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। अच्छा, कम समय का सनलाइट, सनलाइट कम ना, सनलाइट कम यानी डे कम, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। बेटा ध्यान से सुना एकदम, ओके? इसको हमने बोला लॉन्ग डे प्लांट बिकॉज दिस प्लांट रिक्वायर्स अ टाइम ड्यूरेशन विच इज मोर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। And this plant is called a short day plant because it requires time duration which is less than critical photo period. Okay. अब कुछ plants ऐसे होते हैं जहाँ पर there is no correlation. There is no correlation between sunlight exposure and flowering. यानी इन प्लांट्स में कोई कोरिलेशन नहीं है कि इतना सनलाइट देगा तो ही ये फ्लावर उगेगा इस पे। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स। इसको हमने बोला लॉन्ग डे प्लांट्स, बेटा इसको हमने बोला शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट। अच्छा, इसमें ये कैसी बात हो गई मालूम है? ये बात ऐसी है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड समझो 4 घंटे का है। सो लेट्स से सनलाइट है ना, प्लांट्स की भूख है, प्लांट्स को सनलाइट की भूख होती है, जैसे हम इंसानों को लेट्स से रोटी की भूख है। समझो बच्चों, फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज हर इंसान सपोज फॉर एग्जांपल सेहतमंद रहने के लिए एक बार में 4 रोटी खाता है। सो 4 रोटी क्रिटिकल फोटो पीरियड जैसा हो गया। पर अब आया एक इंसान जो 6 रोटी खाता है, 6 रोटी खाएगा तब जाके उसकी सेहत बनी रहती है। यानी 4 रोटी के मुकाबले ये 2 रोटी ज्यादा खा रहे हैं। सो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय चाहिए इसको, राइट? ओके, सो ऐसे प्लांट को हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग डे। उसी तरह समझो फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो ऑन एन एवरेज 4 रोटी जो हर इंसान खाता है उसके बजाय सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं। यानी ऑन एन एवरेज प्लांट को 4 घंटे का सनलाइट चाहिए रहता है विच इज क्रिटिकल फोटो पीरियड, इस प्लांट को सिर्फ 2 घंटे का चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट डे। अच्छा, अब लॉन्ग डे प्लांट यानी पूरे दिन में से ज्यादा ज्यादा सनलाइट चाहिए इनको, और शॉर्ट डे प्लांट को कम सनलाइट चाहिए। सो दूसरी भाषा में लॉन्ग डे प्लांट को डार्कनेस कम चाहिए तो उसको मैं शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकता हूं। वैसे शॉर्ट डे प्लांट को डार्कनेस ज्यादा चाहिए तो मैं उसको लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकता हूं। तो ये याद रखो बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि सनलाइट के ड्यूरेशन के साथ साथ जो डार्क एक्सपोजर है ना, दैट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ओके टू द पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। अच्छा, अब ये फोटो पीरियडिज्म में यूजुअली क्या होता है ना, जो शूट का अपेक्स है यानी शूट का जो टिप है ना वो फ्लावरिंग अपेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट शूट तो सनलाइट पकड़ नहीं सकते, सनलाइट पकड़ने का काम किसका है, यानी परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क, परसेप्शन यानी ऑब्जर्वेशन। ओके, लाइट को पकड़ने का काम अल्टीमेटली किसका है, परसेप्शन का काम है लीव्स का। और ऐसा माना जाता है कि लीव्स पे जब लाइट गिरता है तो लीव्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स तैयार होते हैं और वो हॉर्मोन्स शूट अपाइसिस को फ्लावरिंग अपाइसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, और तब हम लोग बोलते हैं कि सनलाइट के ड्यूरेशन के वजह से प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी हुआ, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ एक एमसीक्यू ये याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम है यारोवाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं किसी प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दू तो उसमें फ्लावर जल्दी आएंगे. सो इफ आई सब्जेक्ट अ प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट इट विल इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग. चिलिंग ट्रीटमेंट यानी अगर किसी प्लांट को मैं थोड़े ठंड टेम्परेचर पे एक्सपोज करवाऊं एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, सो जो फ्लावरिंग लेट से वो 3 महीने बाद देने वाला था वो फ्लावरिंग मुझे वो 3 हफ्ते में ही दे देगा. और जितना जल्दी फ्लावर आएगा उतना जल्दी फ्रूट्स आएगा, उतना जल्दी उसके अंदर सीड्स और ग्रेन्स ये सब मिलेंगे हमको. सो वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज चिलिंग ट्रीटमेंट. अगर तुम कोल्ड टेम्परेचर एक्सपोजर करवा दो प्लांट्स को तो वो प्लांट तुमको फ्लावरिंग जल्दी देगा. कोल्ड टेम्परेचर में रेंज याद रखो 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है. ओके नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स प्रीकॉक्शियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट. प्रीकॉक्शियस यानी समय से पहले. सो इट प्रिवेंट्स प्रीकॉक्शियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन. सो ग्रोइंग सीजन के आखिर में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को समय से पहले नहीं होने देता. ओके फाइन, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, देयर आर टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स दैट इज विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनो. कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके 2 वैरायटी होते हैं, एक होता है विंटर वैरायटी और एक होता है स्प्रिंग वैरायटी. अच्छा, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ये सब क्या है? ये सीजन है. यहाँ देखो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पहले से लिख के रखा है बच्चों, ये तुम याद कर लो. ओके, विंटर सीजन क्या? दिसंबर से लेके मार्च महीने तक होता है. स्प्रिंग इज फ्रॉम मार्च टू जून एंड ऑटम इज फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर. अब कुछ कुछ प्लांट के 2 वैरायटी होते हैं, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी. विंटर वैरायटी के प्लांट्स वो होते हैं जिनके सीड्स को हम लोग ऑटम सीजन में डालते हैं और ये समर सीजन तक पूरी तरह से ग्रो हो जाता है. सुना बात ध्यान से? सो विंटर वैरायटी कौन से प्लांट होते हैं? विंटर वैरायटी वो प्लांट होते हैं जिसके सीड्स को मैंने ऑटम में डाला तो समर तक ये बन के पूरे तैयार हो जाते हैं. अच्छा नेक्स्ट, स्प्रिंग वैरायटी कौन से होते हैं? स्प्रिंग वैरायटी वो प्लांट होते हैं जिनके सीड्स को हम लोग स्प्रिंग सीजन में ही डालते हैं और ये ऑटम तक तैयार हो जाते हैं. तो ये डेफिनेशन याद रखो बच्चों, विंटर वैरायटी दे आर एक्चुअली प्लांटेड इन ऑटम एंड दे आर हार्वेस्टेड इन समर, यानी ये फसल काटी जाती है समर में. और स्प्रिंग वैरायटी दे आर एक्चुअली सीडेड, उसके सीड्स डाले जाते हैं स्प्रिंग में एंड दे आर हार्वेस्टेड इन ऑटम. अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके विंटर और स्प्रिंग वैरायटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है? सो यू हैव टू रिमेंबर व्हीट, यू हैव टू रिमेंबर राई एंड यू हैव टू रिमेंबर बार्ली. 3 एग्जाम्पल. ओके मूविंग ऑन. नेक्स्ट, पैटर्न कैसे रहता है? तुम सीड्स डालोगे तो सीड्स के बाद फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद तुमको ग्रेन मिलेगा. तो विंटर वैरायटी का कैसा है ना, तुम उसको ऑटम में डालो यानी लगभग सितंबर से दिसंबर महीने में तुम उसको जमीन में डाल दो. ओके फिर दिसंबर के बाद वापस से देखो विंटर सीजन आएगा यानी दिसंबर से लेके मार्च, यानी तब टेम्परेचर कम रहेगा यानी कोल्ड ट्रीटमेंट, तो फ्लावर जल्दी आ जाएगा. राइट, फिर उसका फ्लावर जल्दी आ जाएगा, फिर फ्लावर के बाद धीरे धीरे वो फ्लावर मेच्योर होगा स्प्रिंग सीजन में और ऑटम तक वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा. ओके रफली ऑटम और समर तक. तो इसलिए तुमने उसको डाला ऑटम में और समर तक वो पूरी तरह से रेडी है. स्प्रिंग वैरायटी कैसे रहते हैं ना कि तुम उसको स्प्रिंग में प्लांट करते हो यानी उसका बीज जमीन में तुमने स्प्रिंग सीजन में डाला मार्च से लेकर जून के बीच में. ओके एंड बाय द टाइम इट गोज थ्रू ऑटम, देन इट गोज थ्रू विंटर, स्प्रिंग एंड द नेक्स्ट ऑटम इट गेट्स कंप्लीटली रेडी. ओके मूविंग ऑन. नेक्स्ट, बाइनियल्स. बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट. 3 examples of biennial given in textbook is sugar beet, second example is cabbage and the third example is carrot. Sugar beet, cabbage and carrot they are called as biennials. Biennial का मतलब ये होता है ये जो plant होते हैं इनकी lifespan 2 साल की होती है. देखो बच्चों 3 word याद रखो,
एक होता है एनुअल, एनुअल वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन एक साल की होती है। फिर आते हैं बाइनियल, बाइनियल वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन दो साल की होती है। एंड देन कम्स पेरिनियल, दीज आर द प्लांट जिनकी लाइफ स्पैन इज मोर देन टू ईयर्स। अब बाइनियल्स का तीन एग्जाम्पल है, शुगर बीट, देन नेक्स्ट कैबेज एंड लास्ट इज कैरेट। अब ये बाइनियल जो है ना, इनका लाइफ स्पैन दो साल का है, यानी इनका फ्लावरिंग आने में पूरे दो साल जाते हैं, काफी समय लगता है। सो अगर हम लोग वर्नलाइजेशन करें, इन प्लांट्स को अगर कोल्ड ट्रीटमेंट का एक्सपोजर दें, तो बाइनियल्स एनुअल्स की तरह बिहेव करते हैं और वही फसल हमको जल्दी मिल जाती है, ये याद रखना। और ये मोनोकार्पिक होते हैं, मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पेल मतलब गाइनेशियम, ओके, यानी फ्लावर के अंदर यू विल फाइंड सिंगल गाइनेशियम। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बच्चों, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड। इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द सीड्स विल फेल टू जर्मिनेट इवन इफ द एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। यानी समझो फॉर एग्जांपल, मैंने लेट्स से 5 सीड्स जमीन में डाले, ओके, अब ये 5 सीड्स अच्छे से ग्रो हो गए, फिर यही 5 सीड्स समझो मैंने किसी और एरिया में जाके जमीन में डाले और वहां पर ये 5 सीड्स उग ही नहीं रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, इस वाले जमीन में तो ये उग के बड़े भी हो गए, वहां पे तो ये अभी भी उगे भी नहीं, इनमें से स्प्राउटिंग जर्मिनेशन कुछ निकला ही नहीं, कोई छोटा पार्ट नहीं निकला। तो मैं बोलूंगा वो सारे सीड्स क्या कर रहे, आराम कर रहे, आराम कर रहे, यानी बच्चों क्या, वो डॉर्मेंसी में। डॉर्मेंसी इंडिकेट्स द सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन इफ द एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। अब ऐसा क्यों होता है, जब मैं किसी बीज को जमीन में डालता हूँ, कुछ कुछ बीज फटाफट ग्रो हो जाते हैं, यानी उनका जर्मिनेशन होता है, और कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं होते, यानी वो डॉर्मेंसी में, तो क्यों ग्रो नहीं होते, उसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। कॉज नंबर 1, हार्ड सीड कोट, सीड का जो कवच है ना काफी ज्यादा कड़क होगा। कॉज नंबर 2, इम्परमिएबल सीड कोट, यानी वो जो कवच है ना, वो कवच ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अंदर बाहर आने जाने नहीं दे रहा है। इम्परमिएबल मींस नॉट टू अलाउ। कॉज नंबर 3, शायद उस सीड के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होंगे जिसके वजह से सीड का जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। अब ऐसे कौन से केमिकल है, नंबर 1 एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में लिखा बेटा एब्सिसिक एसिड, ओके। नंबर 2 फिनोलिक एसिड एंड नंबर 3 पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। सो ये 3 कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके वजह से सीड्स ग्रो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ शायद ऐसी भी संभावना है कि अंदर की तरफ जो सीड है उसका जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर है। सो इमेच्योर एम्ब्रियो कैन बी अनदर कॉज फॉर सीड डॉर्मेंसी। अब ये सीड को हम ग्रो करें तो करें कैसे, ये डॉर्मेंसी को तोड़ना पड़ेगा, इसकी रेस्टिंग पीरियड को तोड़ना पड़ेगा। सो व्हाट आर द मेथड्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी, हाउ टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। नंबर 1, अगर उसके पास हार्ड सीड कोट है तो वो सीड कोट में हम लोग अब्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब्रेशन क्या होता है बच्चों, समझो दौड़ते दौड़ते हम गिर गए, चमड़ी छिल गई, उसको बोलते हैं अब्रेशन। अब सीड का कैसा है ना, वो सीड को आप सैंड पेपर से रब करो, उसको नाइफ या ब्लेड से थोड़ा काट दो, तो सीड का जो कवच जो हार्ड है ना, वो थोड़ा छिल जाएगा। जैसे चमड़ी छिल जाती है उसको अब्रेशन बोलते हैं, उसी तरह से ये सीड का कवच छिल जाएगा ना, तो उसके अंदर से स्प्राउटिंग फटाफट निकल पाएगा। सोचो कितना कमाल का टॉपिक है बच्चों, फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं, बीज को जमीन में डालते हैं और वो सोचते हैं कि अरे ये अभी तक उग ही नहीं रहा है। वही फार्मर को अगर हम लोग राइट नॉलेज दे देवे कि आप बीज को जमीन में डालने से पहले उसको थोड़ा घस दो सैंड पेपर पे, तो आपका बीज जल्दी से जल्दी है ना स्प्राउटिंग पकड़ लेगा, ओके। सो यू हैव टू कॉज अब्रेशन बाय रबिंग द सीड्स विथ पेपर बेटा, सैंड पेपर, और यू कैन यूज इवन नाइफ,
वी कैन ऑल्सो यूज ब्लेड. नेक्स्ट सीड कोट विच इज इम्परमिएबल, वॉट यू कैन डू इज यू कैन डू विगरस शेकिंग ऑफ द सीड. सो हार्ड सीड कोट, इम्परमिएबल सीड कोट, सीड्स को है ना जबरदस्त आप हिलाओ, उसको रब करो, मूव करो, ओके, विगरस शेकिंग करो उसका. अगर उसके अंदर केमिकल है जिसके वजह से ग्रोथ इनहिबिट हो रहा है तो आप उल्टा करो, आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालो उस पर, जैसे गिबरेलिक एसिड डालो, ओके, ऑक्सिन्स है, गिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, इसके साथ साथ हाँ और एक नाइट्रेट्स केमिकल यू कैन पुट बेटा. तो इसके वजह से है ना सीड फटाफट ग्रो होता है, ओके, इमेच्योर एम्ब्रियो है, सो बाकी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, और तो और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वॉश द सीड्स अप्रोप्रिएटली, वॉशिंग करने का, ताकि उसके ऊपर बाकी बचा कोई इनहिबिटर या फिर बाकी का केमिकल है जो काम का नहीं है वो सारा का सारा निकल जाए. अब्रेशन के मामले में बच्चों एक बात याद रखो, हम लोग सैंड पेपर से अब्रेशन कर सकते हैं, यही अब्रेशन प्राकृतिक रूप से भी होता है. प्राकृतिक रूप में जब फल को कोई जानवर खा जाता है, सो फल का जो बीज रहता है ना वो जानवर के आंतड़ी में से, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से जब जाता है, ओके, उसके स्टमक के थ्रू जाता है, तो जितने भी केमिकल्स है उसके स्टमक और इंटेस्टाइन में वो सीड कोट को धीरे धीरे इंजर कर देते, उसको छीलने लगते हैं, उसको घसने लगते हैं, जिस तरह से सैंड पेपर से हम घसते हैं ना, दैट इज फिजिकल अब्रेशन, वैसे केमिकल अब्रेशन नेचुरली टेक्स प्लेस इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स. And inside the digestive system, there are microorganisms also which are responsible for causing abrasion of the seeds. फिर ये जानवर जब stool pass करते हैं, जब जानवर okay, गोबर करते हैं और उसमें जो seeds निकलता है और वो seeds को अगर हम लोग plant करें तो वो seed जल्दी growth पकड़ेगा. So that is how nature operates upon. Okay? Well, बच्चों आप लोग इसका screenshot ले लीजिए. आज के lecture के लिए इतना सही है. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का हो गया स्वाहा. स्वाहा मीन्स स्वाहा. एक एक पॉइंट जो बताया उसको मन लगा के पढ़ो, ओके, रीड बायो, लीड बायो, यो बायो. थैंक यू बच्चों.